हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा पंचमी विषय गणित कालांश आज अपन का है 19। पूर्व कालांश 18 प्रश्नावली 4.1 में हमने पढ़ा था सूत्र एक न्यूने पूर्वे प्लस परम मित्र से घटाओ। आज अपनी प्रश्नावली है 4.2 घटाओ करना है सूत्र एकाधिक पूर्वे प्लस परम मित्र से। याद रखना पूर्व कालांश में हमने जो पढ़ा था उसमें जो गवाही संज्ञा थी उसमें पूर्व संज्ञा पर अपन एक न्यू चिन्ह लगा देते हैं। आज इसका उल्टा करेंगे, अपन एक पूर्व संज्ञा पर नीचे वाली एक संज्ञा है उसका पूर्व अंक पर एकाधिक लगाएंगे। तो इस प्रश्नावली में अपन देखेंगे किस प्रकार एकाधिक पूर्व और परम मित्र अंक लेकर अपन आसानी से घटाव कर सकते हैं। अब यहां पर कितना है? शून्य। शून्य किसी को जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। तो दो के परम मित्र होते हैं 8। 8 और 0 8, पूर्व अंक 3 पर एकाधिक लगाएंगे। अब यहां पर ऊपर 0 है, नीचे 3 का एकाधिक कितना हो गया? 4। 4 में से 0 नहीं जा रहे हैं तो 4 के परम मित्र होते हैं 6 और 0 6, पूर्व अंक पर एकाधिक। अब यहां पर 2 है, 1 का एकाधिक कितना होगा? 2। 2 में से 2 कम करेंगे तो 0। बहुत ही आसान तरीके से अपन घटाफल कर सकते हैं। 0 में से 2 जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। तो 9 का परम मित्र अंक होता है 1 और 0 1, पूर्व अंक पर एकाधिक। अब देखो ध्यान से, यहां पर 0 है, यहां पर 0 का एकाधिक कितना पड़ेगा? 1 पड़ेगा। तो 1 में 0 में से 1 नहीं जा रहा है तो 1 के परम मित्र होते हैं 9। 9 और 0 9, पूर्व अंक पर एकाधिक। अब यहां पर है 5। 5 में से यहां पर कितने हैं? 4। 5 में से 4 जाएंगे तो 1। याद रखना एकाधिक संख्या के ठीक ऊपर लगता है, न्यून संख्या के नीचे लगता है। अब यहां पर है 5। 5 में से 8 जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। तो 8 के परम मित्र कितने होते हैं? 2। 2 होते हैं, 2 और 5 दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस 7। तो यहां पर 7 ले लिया, पूर्व अंक पर एकाधिक लगाएंगे। अब यहां पर 0 है, यहां पर 0 का एकाधिक 1 बन गया तो 1 के परम मित्र कितने होंगे? 9। 9 और 0 9 ही बनेंगे, पूर्व अंक पर एकाधिक लगाएंगे। यहां पर है 8, नीचे हो गया 6 का एकाधिक 7। 8 में से 7 कम करते हैं तो 1 बनता है। बहुत ही आसान तरीके से अपन इसको हल कर लेंगे। अब देखो यहां पर है ये 1, 5 में से 1 कम करेंगे तो सीधा जा रहा है, कोई एक तरह का एकाधिक नहीं लगाना। 4, भाई ऊपर वाली संख्या बड़ी है नीचे वाली छोटी है और आपको को घटाव करना है तो सीधी सीधी जा रही है। जहां पर ऊपर वाली संख्या छोटी और नीचे वाली बड़ी हो जिसमें घटाव करना हो तो पूर्व अंक पर एकाधिक लेना पड़ता है। अब यहां पर संख्या जो बड़ी है नीचे छोटी है तो 5 में से 1 कम करेंगे तो 4 बचेंगे। आगे बढ़ते हैं, 0 में से 8 कम करते हैं, 0 में से 8 नहीं कम हो रहे तो 8 के परम मित्र होंगे 2 और 0 2 और पूर्व अंक पर एकाधिक लगाएंगे। अब ये 3 है, 2 का एकाधिक कितना पड़ेगा? 3। 3 में से 3 कम करेंगे तो 0। अब लास्ट में 8 बचे, 8 में से 5 कम करते हैं तो 3। अब यहां 4000 में से 2736 कम करेंगे, 0 में से 6 कम हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। तो 6 के परम मित्र 4, 4 और 0 4, पूर्व अंक पर एकाधिक। अब यहां 3 का एकाधिक कितना बढ़ गया? 4। 0 में से 4 कम कर रहे हैं? नहीं हो रहा है। तो 4 के परम मित्र 6, 6 और 0 6, पूर्व अंक पर एकाधिक। यहां पर 0, यहां पर 7 का एकाधिक 8। 8 का 0 में से 8 नहीं जा रहे, 8 के परम मित्र 2, 2 और 0 2। अगला यहां पर 4, 2 का एकाधिक 3, 4 में से 3 कम करेंगे तो 1। आगे देखो 0 में से 4 कम कर रहे हैं, 0 में से 4 कम करेंगे हो रहा
का डिग्री लगा देता है। यहां पर शून्य, यहां पर एक, शून्य में से एक नहीं जा रहा, तो एक का परिमित कितने होंगे? नौ। शून्य है, यहां पर एक है, शून्य में से एक नहीं जा रहा है, एक का परिमित नौ हो गया, नौ और शून्य नौ। अब पूर्व अंक पर एक अधिक लगा दिया। यहां चीज ध्यान से देख रहा, अब ये नौ है, नौ का एक अधिक कितना होगा? दस। इस बात को ध्यान से देख रहा, दस हो गया। शुरू से बता रहा हूं, शून्य में से चार नहीं जा रहा है, चार का एक अधिक, चार का परिमित छह हो गया, छह और शून्य छह। करते ही आप कि नीचे वाली संख्या का परिमित लेकर ऊपर वाली संख्या में जोड़ देते हैं, पूर्व अंक पर एक अधिक लगा देते हैं। अब यहां पर शून्य, यहां पर एक, एक है, शून्य में एक अधिक हो गया, तो शून्य में से एक नहीं जा रहा, तो एक का परिमित नौ और शून्य नौ, पूर्व अंक पर एक अधिक लगा देते हैं। अब इस चीज को ध्यान से देखना, ये नौ थे, नौ के दस हो गए। अब यहां पर कौन सी संख्या मानेंगे अपन? दस तो मान सकते हैं। यहां पर संख्या होगी शून्य, कौन सी होगी? शून्य। अब सर ये जो एक है ये इसके साथ मान जाए, चार के साथ, ये चार के साथ में कर लेते हैं। अब देखो सात है, यहां पर कितने हैं? शून्य। ये चीज है, सात के नीचे ये शून्य है, सात में से शून्य कम करेंगे तो सात, और यहां पर नौ है, नौ में से पांच कम करेंगे तो चार। इस प्रकार बहुत ही आसानी से सूत्र एकाधिक और परममित्र अंक से घटाव कर सकते हैं। पहले अपने एक न्यूनतम पूर्वेंट से किया था, आज अपने एकाधिक पूर्वेंट प्लस परममित्र से ये जो घटाव किया है बहुत ही आसानी से अपन कर सकते हैं। धन्यवाद।